मामूली सी बात और पेट्रोल पर मच गया तांडव। चार लड़के आंधी की तरह आए और बगैर किसी को कोई बात किए शुरू कर दी तोड़फोड़। इसके बाद लड़कों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फरार हो गए, लेकिन उनकी हर करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसने उन गुंडों को पुलिस के शिकंजे मिला दिया। गड़ा रोड जालंधर, 10 जून 2016। दिन का वक्त था और जालंधर के इस पेट्रोल पंप पर कर्मचारी अपने काम में जुटे थे। कार, बाइक, स्कूटर सब पेट्रोल भरवाने में लगे थे। अचानक पेट्रोल पंप पर मच गई भगदड़। चार लड़के हाथ में रॉड और डंडे लेकर आंधी तूफान की तरह आए और किसी से बगैर कोई बात किए मारपीट करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि पलक झपकते ये चार लड़के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और मारपीट तोड़फोड़ शुरू कर दी। लड़कों के जानलेवा तेवरों को देखते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी जान बचाकर भागे, लेकिन लड़कों ने सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी कर रही लड़कों ने सड़क पर भी लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा। इस गुंडागर्दी के आरोपी लड़कों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 5 दिन बाद चारों आरोपियों को धर पकड़ा। इन लड़कों के पास से पुलिस ने तेज धारदार हथियार और बेसबॉल के बैट भी जब्त कर लिए हैं। एफआईआर रजिस्टर करके विद इन 1.5 दिन के विच चारों बंदे को अरेस्ट करके जो है वो कोर्ट के विच पेश कराया जाऊंगा। हमने पुलिस दी तस्वीर के विच पुलिस के शिकंजे में आए इन लड़कों ने बताया पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की कहानी। इस गुंडागर्दी की वजह थी पेट्रोल भराने के दौरान एक ग्राहक से हुई झड़प। ये झड़प हुई तो थी एक ग्राहक से, लेकिन लड़कों की गुंडागर्दी का कहर पेट्रोल पंप कर्मचारी और मालिक सब पर टूटा। परमजीत सिंह रंगपुरी, जालंधर, आज तक।